ईडी को घेरने का आपका उल्टा पड़ा दांव। ईडी ने संजय सिंह से नहीं मांगी कोई माफी। आपके दावों के बीच वायरल हुआ ईडी का लेटर। चित्रा सरवारा ने ईडी की निष्पक्षता पर खड़े किए थे सवाल। आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा ने ईडी की लापरवाही और निष्पक्षता से न काम करने पर सवाल खड़े किए। आबकारी नीति के अंतर्गत आपके सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें एक पत्र लिखकर संजय सिंह से माफी मांगी है कि उनका नाम गलती से लिख दिया गया। वहीं अब अम्बाला से आप नेता चित्रा सरवारा ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी अब राजनीतिक भावना से काम करती है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी भाजपा के नेता के साथ ईडी ऐसा क्यों नहीं करती। देखिए, हमारे देश की जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसमें सीबीआई है, और हमारे देश की टॉप मोस्ट रिप्यूटेड बॉडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिनकी हर बात और उसकी सटीकता पर देश का विश्वास और बड़ी बड़ी साख जो है दांव पर लग जाती है, आज ऐसे पॉइंट पर आ गई है कि जहां देखें जैसे कोई कंपनी बम्पर ऑफर लेके चलती है, एक के साथ दो लीजिए, उसी तरह से आज वो विपक्ष के नेता और विपक्ष की जो आवाज उठा रहा है और जो सरकार से सवाल कर रहा है उसके ऊपर धड़ाधड़ रेड्स और केसेस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक किस्सा, मैं कहूंगी एक मुद्दा बना रखा है, और वो है आबकारी नीति। मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के बहाने चलते चलते आज अंदर कर दिया गया है। आज ये पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और अब पता चला इसी आबकारी नीति के अंदर बहुत सारे नेताओं के नाम जुड़ने वाले हैं जिसमें संजय सिंह जी का भी नाम जुड़ा। जब पहली बार उनका नाम ये उठा तो उन्होंने मीडिया के आगे एक दावा करा था कि मैं ईडी के खिलाफ और जो भी मेरे खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक मानहानि का केस जो है दर्ज करूंगा, और उसका रिजल्ट आज ये निकला है कि ईडी ने शायद इतिहास में पहली बार जिनके खिलाफ उन्होंने केस चलाया हो, जिनका नाम ही उछाल दिया हो, जिनकी इज्जत मैं कहूंगी एक तरह से उछाल दी हो, उनको लिखित में जो ईडी के वकील हैं उन्होंने लिखित में यह देकर माफी मांगी है कि हम गलती से हमारे से आपका नाम डल गया। क्या ये इतनी छोटी गलती है जिसमें किसी की रेपुटेशन, पब्लिक परसेप्शन, एक पार्टी जो चुनाव देश में अलग अलग जगह पर लड़ रही है उनके ऊपर आप इतना बड़ा डेंट मार सकते हैं और सिर्फ एक चिट्ठी से आप माफी मांग सकते हैं? कभी ये गलती कभी भाजपा के किसी साथी के साथ क्यों नहीं हुई? आज बड़े दुख की बात है, देश के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जिनकी अपना दायित्व था देश की आजादी को बनाए रखने का, उसे को बचा के रखने का और उसको हर हद तक जाकर उसको निष्पक्षता से चलाने का, आज हम सब कॉम्प्रोमाइज्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हम उन सबको कॉम्प्रोमाइज देख रहे हैं। और ईडी का जो ये कदम, जो अब ईडी का जो ये सामने एक किस्सा खुल के आया है, साफ नजर आता है कि ना ईडी की बातों में निष्पक्षता है ना ही वो सटीकता है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र की भावना के साथ ये काम कर। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया था कि कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले की चार्जशीट में उनका नाम डालने के लिए ईडी ने माफी मांगी है। हालांकि अब ईडी द्वारा भेजा गया लेटर सामने आ गया है जिसमें माफी का कोई जिक्र ही नहीं है। आपको बता दें कि संजय सिंह के मानहानि नोटिस का जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि चार्जशीट में मात्र एक जगह पर पूर्व आबकारी कमिश्नर राहुल सिंह के नाम के बजाय संजय सिंह का नाम लिखा गया, जिसे कोर्ट में ठीक करने के लिए कहा जा चुका है, बाकी सब जगह उनका नाम सही लिखा है। वहीं सामने आए ईडी के लेटर में कहीं भी माफी का जिक्र नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हिन्दुस्तान में इतिहास में पहली बार ईडी द्वारा माफी मांगने का दावा किया, जो अब उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंबाला से कृष्ण बाली, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।